तो झनक फाइनली कोलकाता से मुंबई आ गई है एंड आई इंटेंशनली सही, पर वो एक ऐसी जगह पे आई है जो उसका पैशन है, जो उसका सपना है, उसका वन ट्रू लव है डांस. और यहाँ पे बहुत अच्छे गुरुजी भी हैं जो सारे डांस फॉर्म्स जानते हैं एंड जानक इज सो मेसमराइज्ड. और छोटा बच्चा नहीं होता जो देखता है कि उसका फेवरेट खिलौना उसके इतने करीब है एंड वो देख के एक्साइटेड हो जाता है. तो ऐसा ही झनक के साथ है. एंड देन झनक ऐसा कुछ होता है कि झनक को डांस करने का मौका मिल जाता है. झनक शी डांसेस सो वेल एंड गुरुजी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ बोलते हैं कि तुमसे कुछ बात करनी है, तो वो नहीं पता क्या बात करनी है. बट झनक उतने में ही खुश है कि उसको इतने बड़े गुरुजी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला. फैंस के लिए कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही शो देखते रहिए, खूब सारा प्यार देते रहिए, बहुत सारी मेहनत करें. थैंक यू. ओके, अब हमने जो भी गलतियां की हैं उसे सुधार. एक्शन. थैंक यू गुरुजी. एक्जेक्टली वैसी. ओके, अब हमने जो भी गलतियां की हैं उसे हम सुधारें. आप म्यूजिक प्ले कर दोगे? ठीक ठीक वहां जाकर खड़े होगे. चाय जैसी बोली कि वैसे बना के लेकर आना. बनाएंगे ना चाय? जैसी तुमने समझाई बिल्कुल वैसी बनाएंगे. गुरुजी भी चाय नहीं बनाएंगे, मैंने सोचा था आप आएंगे तो फ्रेश चाय बना के दूंगी आपको. गुरुजी भी चाय बनाई नहीं है, सोचा था आप जब आएंगे तो फ्रेश चाय बना के दूंगी आपको. जी बिल्कुल. जाओगी? चलो जाओ अपना काम करो और गुरुजी की चाय लेके. गुरुजी ने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं खड़ी थी. बात हो तो गई, अब तो गई. जाओ. ये कोई तरीका है बात करने का? तुम यहाँ अपनी कला को प्रैक्टिस करने आए हो, आराम से शांत दिमाग से अपनी प्रैक्टिस करो. और रिहर्सल की तुम लोगों ने एक्शन. और आज रिहर्सल किया आप लोगों ने? हाँ सर, रिहर्सल. सॉरी, देखा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बोल पड़ता है. झूठ बोल रहे हैं ये? अरे नहीं सर, हम प्रैक्टिस ही कर रहे थे. नहीं, गुरु जी झूठ बोल रहे हैं. इसका मतलब तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला. कर गए जी. होता है तो नौकरी से निकालना चाहते हैं और फिर इसे आज भी परेशान कर रहे थे. इसने जवाब दी तो इसे चिढ़ गए और अब गुस्सा है. 10 मिनट पहले. और ये लोगों ने प्रैक्टिस करी? सब देख रहे हैं गुस्से में. मैं सच बताती हूँ, हम जब आए तो ये रिहर्सल हॉल में गोटा लगा रही थी, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाए. हम तो बाहर ही वेट कर रहे थे इसका. अरे ऐसा कुछ नहीं गुरु जी, हम तो सारे अंदर ही आ गए थे और जब तक आए तब तक अच्छा लगा. ये मजा आ रहा है. थैंक्स गुरु जी. आप ही बताइए हम ये सच पर कैसे प्रैक्टिस करते. इंजरी हो जाती तो इससे पहले से अपना काम साफ सफाई सब करके रखना चाहिए. यहाँ का पोछा और काम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था. देखिए मैं इन लोग की शिकायत नहीं करवाना चाहती हूँ आपसे, लेकिन सिर्फ इतना जताना चाहती हूँ कि मैं काम चोर नहीं. ठीक है तुम जाओ. आप समझाएंगे तो वो भी कर लूँगी. मैं जब भी बोलूँगा तब 5 सेकंड रिवाइंड करके प्ले करना और जब करूँगा तब पॉज करना. ठीक है आ जाएगा. ठीक है चाय बना के आ जाओ और उसके बाद वहाँ कर लूँगा. तुम यहाँ कला को सीखने आए, कला को आकार देने आए, कलाकार बनने आए और एक आर्ट फॉर्म को जन्म देने आए. टॉली वो लोग कहते हैं. समझ में आ रही है अपनी बात?
सॉरी क्या बात, बहुत होनहार। एक बात बताओ, ये डांस कहाँ से सीखा? जी मैंने किसी से सीखा नहीं है, वो मेरी माँ डांस करती थी, बहुत अच्छा, वो की कॉपी करने की कोशिश करती थी बस। जी ओके पानी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.